हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे सब्सक्राइबर 400 से भी ऊपर पहुंचा दिए। इसी तरह से आप प्लीज सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो। तो गाइस, आज है संडे का दिन और आज का दिन हमारा बहुत अनएक्सपेक्टेड जा रहा है। सुबह सुबह मैं उठा, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आसपास में जाऊंगा जहाँ पे मैं रहता हूँ, आपको दिखाऊंगा किस तरह से है। और पूरा मैं गोप्रो लेके निकला और पता चला आधे ब्लॉग का शूट हुआ, आधे का रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं और मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि चलो तुम लोग तो अपने हो यार, डाली देते हैं देख लोगे। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, जिस चीज़ में मज़ा नहीं आया ना वो नहीं करना चाहिए। तो पहले सोचा कि डाल दे, फिर सोचा कि नहीं नहीं मतलब नहीं। तो दूसरा अनसर्टेन काम ये हुआ हमारे साथ में कि एक तो सुबह का शूटिंग गया, रिकॉर्डिंग पूरा जो है चला गया। उसके बाद में हमारे रूम का जो लॉक है अटक गया। मैं बाहर गया कूड़ा फेंकने के लिए और वापस आया तो मेरे पास चाबी थी लेकिन लॉक नहीं खुल रहा था। उसकी वजह से जो है फिर एक चाबी वाले को बुलाना पड़ा और वो उसमें पूरा टाइम लग गया, थोड़ा दरवाज़ा साइड से थोड़ा सा तोड़ना पड़ा तो जाके वो खुला फाइनली। तो दिन इस तरह से हमारा अनसर्टेन जा रहा था, ख़राब नहीं बोलना चाहिए, अनसर्टेन जा रहा था। तो हमने कहा बहुत हुई अनसर्टेनिटी, एक काम करो पार्टी की जाए। तो एक हमने बहुत ही बड़ी आत्मनिर्भर पार्टी की, आपको इधर उधर कहीं तो फोटो दिखाई दे रहा होगा उसका। अब फाइनली यार चलो, आज के ब्लॉग में हम आपको मिलवाते हैं अपने घर के दो नए मेंबर से। नए तो नहीं, उनको थोड़ा सा टाइम हो चुका है आए हुए, तो दोनों से आपको एक एक करके मिलवाया जाएगा। पहले मेंबर हमारे पास में रखें, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। वो है ये टैंक टैंक, ये एक प्लांट है, इसका नाम है मिंग अरेलिया। ओके, इसको एक हमारे जूनियर ने रिकमेंड किया था, मैं एक जगह गया था वहाँ से लेकर आया मैं। मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि इसको हम अपने डेस्क पर रख सकते हैं और बहुत ही सही है यार, ये ज़्यादा नखरे नहीं है इसके। मैं वीक में दो बार आप पानी दे सकते हो और दो बार पानी देने के बाद में जो है अंदर की जो लाइट होती है इंडोर लाइटिंग वो काफ़ी है इसके लिए। तो ये है मिंग अरेलिया। और इसके बाद में एक और प्लांट है हमारे पास में दिखाने के लिए, मैंने बता दिया प्लांट। तो ये दो नए मेंबर थे जिनको हम आपको मिलवाना चाहते थे। फिर हमने सोचा यार ये हमारे घर के अगर मेंबर्स हैं तो इनका कुछ नाम होना चाहिए। तो इसका नाम ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसका नाम है मिंग अरेलिया। अब क्योंकि यार हमने सोचा कि चलो हम इसका कुछ और नाम रखेंगे, मिंग अरेलिया तो ठीक है। तो पहले हमने इसका नाम सोचा कि यार जो अरेलिया होता है ना, अरेलिया को हमने सोचा कि आलिया कर दिया जाए। और फिर थोड़ी देर की बात में समझ में आया कि मैं अपने प्लांट को नेपोटिज्म का शिकार बिल्कुल नहीं बनने दूंगा और कोई मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे इस प्यारे से प्लांट को नेपोकेट बोल के कुछ भी बुलाए। तो इसलिए इनका नाम जो है अरेलिया से आलिया तो बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। इनका नाम हमने रखा है मिस्टर मिंग। क्या नाम रखा है? मिस्टर मिंग। अब मिस्टर मिस के चक्कर में प्लीज मत पड़ना, क्योंकि मिंग के साथ में मुझे वो अच्छा लग रहा था तो मैंने इसका नाम रख दिया है मिस्टर मिंग। हो गए आज से ये हमारे। ऑलराइट गाइस, तो ये आ गए हैं हमारे मिस्टर मिंग। इनके ऊपर ये पेस्ट कर दिया जाएगा। देयर वी आर। ये आ गए हैं अपने मिस्टर मिंग, एकदम बिल्कुल चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यस yes, तो एक हमारे मेंबर से आप मिल चुके हैं, अब दूसरे मेंबर के पास जाते हैं। दूसरा मेंबर एक्चुअली किचन में है तो चलो उसी के पास चलते हैं, उठा के ले आते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे लाइट वैसे ठीक ही लग रही है लेकिन फिर भी चलो इनको उठा के लेके चलते हैं। आ जाओ आप इधर, ये रहे। तो गाइज मीट द नेक्स्ट मेंबर, ये रहे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल द पीपल इन द हाउस, प्लीज वेलकम आवर पीपल इन द हाउस। ये है हमारे पीपल इन द हाउस, तो इसलिए हमने इनका नाम रख दिया है, पहले से लिख के रखा हुआ है। ये बन गए हैं पीपल इन द हाउस। तो पीपल इन द हाउस एंड मिस्टर मिंग, दो नए मेंबर आ गए हैं हमारे घर में। अब सवाल आता है कि यार इनका हम और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि पीपल एक गमले में तो हो नहीं सकता। मिस्टर मिंग की बात ठीक है, वो चलेगा और वो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। अब पीपल की दिक्कत ये है कि उनको हम एक गमले में तो रख नहीं सकते लॉन्ग टाइम तक के लिए। सोचा फिर क्या करेंगे यार, कोई अपने पास में यहाँ तो खेत वेत भी नहीं है मुंबई में कि वहाँ पर जाके लगा दिया जाए। तो एक आइडिया सोचा हमने, कहा कि चलो भाई हम क्योंकि PhD वाले हैं और एक रिसर्चर होने का, रिसर्चर का एक धर्म होता है एक्सपेरिमेंट करना, चाहे भले ही उसने वो ज़िंदगी में पहले किया हो या ना किया हो। तो मैंने सोचा है यार कि जो हमारे पीपल इन द हाउस हैं उनको एक बोनसाई पीपल बनाने का। अब बोनसाई यार वैसे पता नहीं, मतलब मैंने आज से पहले कुछ बॉटनी के नाम पे सिर्फ 12th तक ही पढ़ा है, मैंने बायोलॉजी में जो पढ़ा है उसके बाद से तो BSc से तो मेरा बॉटनी से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। बट हमने सोचा फिर भी यार, क्योंकि पीपल के लिए हम इतना काम ज़रूर करेंगे,
तो मेरा पूरा प्लान है इसको एक बोनसाई प्लांट बनाने का, और बोनसाई बनाने के लिए मैं भी अपना सब चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, मटेरियल मुझे क्या क्या लगेगा, तो आप लोगों को भी दिखाते चलेंगे कि जो जो मटेरियल कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, और पूरी प्रोसेस आप लोगों के साथ में की जाएगी, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो धीमे 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 इसको किया जाएगा। हाँ जी, तो मेरा हाथ थक रहा है, लेकिन पता है तुम लोगों को ऐसे कोई भी काम हम आसानी से करना पसंद करते नहीं है, तो इसलिए बार बार हाथ चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे ही करके आदत पड़ेगी यार। तुम लोगों को बाहर की दुनिया में कैसे दिखाऊंगा अगर मुझे ज़्यादा देर कैमरा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मेरा ध्यान थोड़ा सा उधर हट रहा है कैमरा से, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं कैमरा पर ही फोकस करूँ। हाँ जी गाइस, तो ये तो हो गई दो नई चीज़ें आप लोगों के लिए। एक तीसरी नई चीज़ और है, जो है एक हेलमेट मैंने एक्चुअली परचेस किया हुआ है, और वो मैंने इसलिए परचेस किया हुआ है ताकि जो है आपको रास्ते का भी वीडियो दिखाया जाए। तो एक बार आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देते हैं उस हेलमेट के बारे में, ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा तो हमें भी नहीं पता है, इतनी जानकारी नहीं है हेलमेट्स और ये सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी जो नया लिया है वो दिखा देते हैं, क्यों लिया है वो भी आपको बता देते हैं। तो चलो दिखाते हैं। एंड देयर वी आर, अरे कहाँ है बाहर निकल। ये देखो, ये है अपना एक नया हेलमेट जो हमने लिया है। क्यों लिया है देखो, आपको पुराना दिखाते हैं। ये था हमारा पुराना वाला हेलमेट, मतलब था नहीं है अभी भी। अब दिक्कत ये थी कि हमें चाहते थे इसके ऊपर गोप्रो फिट करना, और वो नहीं हो पा रहा था। ऐसे मुझे डर लग रहा था फिट करने में। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस तरह से गोप्रो यहाँ पे फिट हो रहा था, बट बहुत टाइम मैं इसको इस तरह से खोल के चलाता हूँ, तो मुझे डर लगता था कि ऐसा ना हो उसमें टच हो जाए वो और वो गिरे विरे, तो मैंने सोचा कि मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो उसको तो हटाते हैं साइड से। हमने ये वाला खराब किया, अब आप बोलोगे ऐसे इसमें तो ये भी ऊपर तो जाने वाला है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है, तो हम क्या कर सकते हैं, गोप्रो अपना यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ताकि जब जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो ये सामने रहेगा, मैं इजीली रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, आपके लिए बढ़िया बढ़िया रास्ते के जो है वीडियो शूट कर सकता हूँ। गोप्रो फिट करने के लिए हमने ये कुछ ये भी खरीदा है, जिससे ये आसानी से लग जाएगा। इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग है ये, इसका अनरैपिंग ही है बस, इंस्ट्रक्शन है जो हम नहीं पढ़ेंगे। तो देव यार, ये रहा स्ट्रिप, तो ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हो किधर आएगा, इधर आएगा, अरे बैठ ही जाता हूँ मैं, ये कुछ इधर आएगा, और उसके बाद में जो है, आओ सब गिरे जा रहा है मेरे हाथ से, उसके बाद में जो है हम उसको अगर ऐसे लगाएंगे, और ये कैसे ऐसे फिट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा गोप्रो आ जाएगा, तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको चिपका लेते हैं, तो आई थिंक ऐसे सही रहेगा। ऑलराइट, यस। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे चिपक चुका है, और इसको आज टेस्ट किया जाएगा, तो इसको टेस्ट करता हूँ मैं, आपको जो है कुछ सैंपल शॉट दिखाऊंगा कैसे आ रहा है, बाकी फिर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे अलग अलग जगह पे, तो उसके साथ में रिकॉर्डिंग की जाएगी, वो आपको वीडियो, वो वाले ब्लॉग्स आपको जल्दी ही मिलेंगे। नेक्स्ट आपको एक ट्रैवलिंग ब्लॉग मिलेगा, जो कि मैंने अगेन 1000 साल पहले कभी बनाया था 2019 BC में, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगा आपको। एक जगह मैं गया था पास में, एक बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे, वो ब्लॉग आपको नेक्स्ट मिलेगा, और उसके बाद में आगे के ट्रैवलिंग ब्लॉग सारे इस हेलमेट के साथ में ये गोप्रो लगा के शूट किए जाएंगे, तो वो आपको काफ़ी बढ़िया ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बस जो है लाइक करना यार ब्लॉग को, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, और बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो तो शेयर और कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलूंगा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, एंड डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू।